अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो थैंक्स पर जरूर क्लिक करें और अपना प्यार भेजिए। ये शादी का चक्कर बड़ा गंभीर होता है, मतलब सभी लोगों के लिए नहीं, कई लोगों के लिए तो ये बड़ी खुशी की बात होती है, लेकिन कई लोगों के लिए यही बात गले का फंदा बन जाती है। अब आप ही बताइए, अगर किसी की शादी तय हो जाए तो खुशी से फुला नहीं समाता, कबूतर की तरह नाचने की सोचता है, लेकिन इसी में अगर कोई विलन बीच में आ जाए तो। अब एक बार शादी तय होने के बाद ऐसा होना जरा मुश्किल ही है, लेकिन इस केस में ऐसे ही हुआ। बेचारे की खुशी पर पानी पड़ गया, गया भागा भागा अपनी लड़की के पास और वहां जाकर देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। हमें तो बहुत बाद में पता चला कि हुआ क्या था। हमें सड़क पर एक लाश मिली, एक लाश, ना उसकी जेब में से कुछ मिला ना उसके कपड़ों से कुछ पता चला, बस सिर्फ एक बात पता चली, सिर्फ एक बात, मरने वाले के मुंह से दारू की बदबू आ रही थी, दारू की बदबू। बस इसी दारू की बदबू से हमने खूनी को पकड़ लिया। कैसे, आप खुद ही देख लीजिए। अरे ये कहां से आ गया? अबे पागल हो गया क्या? तुझे मेरी गाड़ी मिली मरने के लिए? क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? CID? चले बाय फ्रेडी। फ्रेडी घर नहीं चलना है, रात के 10 बज चुके हैं और आज तो कोई केस भी नहीं है। फ्रेडी फ्रेडी अरे क्या हुआ? मैं लूट गया सर, मैं मर गया। क्या, किसने लूटा फ्रेडी को? रहने दीजिए सर, आप उनका कुछ नहीं कर सकते। क्यों, ऐसा कौन है जिसका हम कुछ नहीं कर सकते? सर आज मुझे मेरे कॉलेज की कुछ दोस्त मिल गई थी सर। तो उसमें रोने की क्या बात है? उन लड़कियों ने बीच सड़क पे मुझे देख के जोर से चीख मारी सर, लोग इकट्ठा हो गए, उन्हें लगा कि मैं कुछ करने वाला हूं, वो लोग मुझे मारने आए थे सर। पर वो चीखी क्यों? एक लड़की बोली कितना मोटा हो गया है। मतलब आप पहले ऐसे नहीं थे? बिल्कुल नहीं, एकदम कड़का था, स्मार्ट। फिर क्या बोली वो? वो बोली अच्छा हुआ तेरे से शादी नहीं की। ये बात है, तो तुम्हारा उसके साथ चक्कर चल रहा था। फिर पूछा शादी किससे की? बता दिया? बता दिया। फिर जैसे ही मैंने बताया तीनों की तीनों फिर से जोर से चीखी सर। इसमें चीखने की क्या बात है? अरे सर वो तीनों की तीनों लड़कियां मेरी वाइफ को जानती है सर। उसने मुझसे कहा कि मैं तेरी वाइफ को फोन करके बता दूं कि हमारा चक्कर चल रहा था। अब तक तो उसने फोन भी कर दिया होगा सर। हेलो हेलो CID ब्यूरो, क्या लाश पड़ी है कहाँ पे? अच्छा ठीक है, हम लोग आते हैं।
हाँ दया, इसके पास पे तो सिर्फ पैसे ही हैं। अच्छा, एक बात बताओ। जी। क्या इस आदमी के साथ और भी कोई था? नहीं साहब, अकेला ही खड़ा था सड़क पे, आसपास और कोई भी नहीं था। अकेला ही था? हाँ साहब। बड़ी अजीब बात है, एक आदमी रात को रास्ते में अकेले में चल के जाता है, उसे हार्ट अटैक आता है और वो इस टैक्सी के सामने आकर अपना दम तोड़ देता है, मगर दम तोड़ने से पहले वो सिर्फ एक नाम लेता है, सीआईडी का। हमेशा ऐसा क्यों होता है? हमें कुछ बताने से पहले ही लोग मर जाते हैं, ये गलत बात है ना? इसके मुंह से यहाँ खून निकल रहा था, सूख गया सर। ये तो कुछ और ही गड़बड़ लगती है। सर, कहीं किसी ने इसे जहर तो नहीं दे दिया? लगता तो कुछ ऐसे ही है। कहीं ऐसा तो नहीं उसने कहीं जाकर जहर खा लिया हो? लेकिन सर, जहर खा के कोई सड़क पे क्यों घूमेगा सर? फ्रेडरिक्स, बहुत कुछ हो सकता है, या तो इसे कुछ याद आया होगा, या फिर वो किसी से मिलने जा रहा हो। ये भी हो सकता है किसी से मिला हो जिसने उसे जहर खिला दिया है, पिला दिया हो। सर, इसके बदन से एक अजीब सी बदबू आ रही है। बदबू आ रही है? हाँ सर। कैसी? क्या हुआ भैया? सर, हाँ, इस आदमी ने शराब पी रखी है, इसके मुंह से बू आ रही है। इसका मतलब है सर, ये आदमी यहीं कहीं आसपास के किसी बार में बैठ के इसने दारू पिया होगा। दया, एक काम करो, आसपास जितने भी बार्स हैं सब बार्स में जाकर पूछताछ करो इसके बारे में। सुनो, यहाँ चाय मिलेगी? अरे यहाँ चाय वाय नहीं मिलती, ये बार है बार, यहाँ पे दारू मिलती है। चाय? यार बहुत नींद आ रही है, जरा अंदर जाके पूछ तो ले, एक कप चाय बनाने में क्या तकलीफ है? एक बार कहा ना आपसे, यहाँ पे चाय वाय नहीं मिलती। बस बस, ज्यादा मत बोल, जा अंदर जा, चाय लेकर आ। अरे लेकिन कहा ना चाय लेकर आ। साहब, रात के 3 बज गए हैं ना, सब थक गए, इसलिए थोड़ा भड़क गया। किसको चाय चाहिए? मुझे चाहिए। मिस्टर, रात को 3 बजे चाय नहीं मिलती यहाँ पे। ये आदमी आया था बाद में? लेकिन आप हैं कौन? ये आदमी यहाँ आया था या नहीं? जी जी, हाँ हाँ आया था सर। मालूम है कौन है ये? जी, इसका नाम वशिष्ठ है और ये लगभग रोज आता है यहाँ पे। और आज भी आया था यहाँ? हाँ सर, आया था और काफी पी कर गया सर। एक ड्रिंक ला, गला सूख रहा है यार। सर, जितना ऑर्डर देना अभी दे दीजिए, क्योंकि 11:30 के बाद हम ऑर्डर नहीं ले सकते। मैं यहाँ रोज आता हूँ। जी मालूम है सर। तो फिर मुझे ये रूल वूल मत समझा, समझा गया? ठीक है सर, अब ये की लाओ। फिलहाल ला, एक ला ला। ए, ए, इधर। तुझे क्या, मैं शक्ल से लंगूर देखता हूँ? सर, मैंने ऐसा तो नहीं कहा, असल में बार बाद में बंद हो जाता है, फिर हमें ड्रिंक नहीं मिलेगा आपके लिए। कैसे नहीं मिलेगा? मैनेजर को बुला के ला, अभी मैनेजर को बुला के ला। ए मैनेजर, मैनेजर किधर है? मैनेजर किधर है? सर, एक तो पहले से ही पिया हुआ था वो, उसके ऊपर काफी पी कर गया। ये आदमी मर गया, उसके ड्रिंक में किसी ने जहर मिलाया था और वो जहर इसी बार में किसी ने मिलाया है। सर, हमारे बार में से? हाँ सर, कोई ऐसा क्यों करेगा सर, हमारा तो धंधा ही बंद हो जाएगा। जहर किसी ना किसी ने तो मिलाया है यहाँ पे, किसी ना। किसी ने? नहीं सर, हम ऐसा काम कभी नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हमारी ड्रिंक पीकर कोई मर गया तो
कल से तो यहाँ कौवे बोलने लगेंगे सर। कौवे तो आज से बोलने लगेंगे यहाँ। उसके साथ कोई दूसरा आदमी था यहाँ पे? नहीं सर, वो हमेशा की तरह अकेला ही आया था यहाँ पे। जब अकेला ही आया था यहाँ तो फिर तो जहर तुमने या तुम्हारे वेटर्स में से किसी ने मिलाया है, समझे? इस बार में जितने लोग भी काम करते हैं उन सबको बुलाओ और यहाँ लाइन से खड़ा करो। चलो जल्दी। आ गया, कुछ पता चला? सर यही वो बात है, वो आदमी यही आया था। क्या नाम क्या है उसका? सर उसका नाम वशिष्ठ है। क्यों, पता चल गया ना? इस आदमी का खून हुआ है, जहर देकर मारा है उसे, और वो जहर तुम में से ही किसी ने दिया है, उसकी ड्रिंक में मिला था, समझे? इस स्प्रे को हाथ पे छिड़कने से उस आदमी के हाथ का कलर बदल जाएगा जिसने किसी भी जहरीली चीज को हाथ लगाया है। तो अभी भी टाइम है, जिसने भी किया है सच सच बता दो। कोई नहीं, कोई भी मुंह खोलने को तैयार नहीं है, ठीक है? हाथ आगे करो। एक मिनट, कहाँ भाग रहा है? इतनी जल्दी क्या है? हाँ? मैं पूछ रहा हूँ, तो चुपचाप खड़े होकर देख रहा है? मैंने ही वशिष्ठ की ड्रिंक में जहर मिलाया था साहब। क्यों? साहब, इस काम के लिए मुझे पैसे दिए गए थे साहब। किसने दिए थे? पता नहीं साहब, मैं उसे नहीं जानता। जानता कैसे नहीं? साहब वो मेरे पीछे पड़ गया था साहब। कल दोपहर को उसने मुझे फोन भी किया था। फिर रात में जब मैं उससे मिलने के लिए गया तो यहां तो कोई भी नजर नहीं आ रहा है। उसने तो कहा था कि वो यही मिलेगा। मुझे मालूम था कि तुम यहां पर जरूर आओगे। कौन हो तुम? वो जानना तुम्हारे लिए जरूरी नहीं है। ये लो। काम क्या कर रहे हो? ये इंजेक्शन तुम्हें इस आदमी की दारू में मिलाना है। जी, ये तो वशिष्ठ साहब है। हाँ, जो हर रोज तुम्हारे बार में आता है। समझ गया। हाँ बोलो, तुम जाओ और जैसा कहा है वैसा ही करना। जी। कहाँ? होटल मरीना। ठीक है। होटल मरीना बोला था उसने? जी हाँ। होटल मरीना में जाकर ढूंढो, शायद हमारा खूनी वहीं पर मिल जाएगा। आप मैनेजर हैं यहाँ के? जी हाँ। कल इस होटल में जितने भी विजिटर्स आए थे हमें उनकी लिस्ट चाहिए। क्यों, आप लोग कौन है? सीआईडी, हम यहाँ एक केस के सिलसिले में आए हैं। सीआईडी? हाँ जी, कहिए। लिस्ट। एक मिनट, जरा ये फोटो भी देख लीजिए। इस आदमी को देखा है आपने? इसका नाम वशिष्ठ है, क्या ये आपके होटल में आया था? हाँ, ये आदमी आया था, कल ही आया था। कल किससे मिलने आया था ये? हाँ, कमरा नंबर 106 में मिस्टर धीरज नाम का आदमी ठहरा हुआ है, उससे मिलना है। धीरज? जी हाँ। ये आदमी काफी देर तक यहाँ था और इनमें कुछ आपस में झगड़ा भी हुआ था। झगड़ा हुआ था? जी हाँ, लड़ाई हुई थी। हाँ
हमें बाजू वाले कमरे से कंप्लेंट आई कि कमरा नंबर 106 में चिल्लाने की आवाज़ आ रही है, तो मैं मिस्टर धीरज के कमरे की तरफ गया। दरवाजा खोलिए सर। क्या बात है सर, एनी प्रॉब्लम? कुछ नहीं, अब जाइए यहाँ से, अब जाइए यहाँ से। ठीक है, मैं तुम्हें देख लूंगा। इस वशिष्ठ के जाने के कुछ देर बाद मिस्टर धीरज भी होटल के बाहर चले गए, और ऐसे चले गए कि वापस आए ही नहीं। सर, मुझे लगता है मिस्टर धीरज ने उस वेटर को पैसे दिए वशिष्ठ को मारने के लिए। आप जरा धीरज का कमरा दिखाइए, हमें चेक करना है। ये रहा सर, मिस्टर धीरज का कमरा। ठीक है, आप जरा बाहर रुकिए। थैंक यू। एक काम करो, कमरे को अच्छी तरह से चेक करो, पता तो चले ये आदमी है कैसा। ये तो वही जहर है जिससे वशिष्ठ का खून किया गया है। कौन है ये? रेडी बोल, बोल। अरे अरे, मेरा नाम धीरज है, आप लोग कौन हो? हम तुम्हारे रिश्तेदार हैं, ससुराल वाले। आप लोग मेरे कमरे में क्या कर रहे हैं? क्यूरारेक्स पी रहे थे, अच्छा लगा, काफी टेस्टी है। क्यूरारेक्स? हाँ। इसे पहचानते हो? ये तो वशिष्ठ है। है नहीं, था। क्यूरारेक्स पी लिया था इन्होंने। कैसे पिलाया है? चाय में, सोडे में या विस्की में? मतलब ये भगवान को प्यारे हो गए हैं। किसी ने इन्हें जहर पिला के मार दिया है। ओ माय गॉड। हैरान तो ऐसे हो रहा है जैसे तुम्हें कुछ पता ही नहीं। देखिए, मैं कुछ समझा नहीं। कल रात कहाँ थे तुम? कल रात मैं मीटिंग के लिए गया था। ओ, मीटिंग? साहब मीटिंग कर रहे थे, वो भी एक वेटर के साथ में। है? वेटर? कौन सा वेटर? आप लोग ये क्या कह रहे हैं, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। ये बॉटल अभी अभी तुम्हारे कमरे से मिली है, ये क्यूरारेक्स नाम के जहर की बॉटल है। ये वही जहर है जिससे वशिष्ठ का खून किया गया है। जहर की बॉटल, वो भी मेरे कमरे में? और क्या, हमने डाली है ये बॉटल यहाँ पे? हाँ, क्यों मारा उसे? देखिए, मैंने किसी को जहर नहीं दिया, मैंने किसी को भी नहीं मारा। अच्छा, बीरो लेकर चलो इसे। धीरज बोल रहा था कि उसे पता ही नहीं है कि जहर की बोतल कहां से आई। उसे पता ही नहीं। उसे शायद यह भी पता नहीं होगा कि डॉक्टर सालू के किस मिट्टी का बना हुआ है। सर, अब तक तो ये भी नहीं पता चला है कि जो उंगली का निशान आपको मिला है वो धीरज का है भी या नहीं। डॉक्टर तारिका, बोतल कचरे के डब्बे में से आई है, होटल के कमरे में से। तो किसी ने तो उसे फेंका ही होगा ना, ऐसे हवा में उड़ के तो नहीं आई होगी ना बॉटल। तो जो आदमी उस कमरे में ठहरा था उसी ने फेंकी होगी वो बॉटल। फिर भी सर, एक टेस्ट तो मैं कर चुकी हूँ। तो दूसरा करो ना। एक टेस्ट फ्लॉप हो गया तो क्या हुआ? सर, ये टेस्ट फेल नहीं हुआ है। तो क्या हुआ है? यही कि ये आदमी क्यूरारेक्स नाम के जहर से नहीं मरा है।
और तारिका तुम दूसरा टेस्ट कर रही हो ना? जी। तो जब तक अच्छी तरह से पता नहीं चल जाता, जब तक 100% कंफर्म नहीं हो जाता कि ये आदमी क्यूरर एक्स जहर से नहीं मरा है, तब तक ज्यादा बोलो मत। अब देखता हूं कि इस बॉटल पर मिले हुए उंगलियों के निशान धीरज की उंगलियों के निशान से मैच होते हैं या नहीं। नहीं सर। क्या हुआ? दूसरी बार भी फ्लॉप। ये आदमी इस जहर से नहीं मरा है जो उस बॉटल में मिला था, जिसके ऊपर से आपने उंगलियों के निशान लिए थे। फाइनल। क्यूरर एक्स नहीं है। तारिका, ये भी तो हो सकता है कि धीरज ने किसी और आदमी के साथ मिलकर के काम किया हो और उस दूसरे आदमी की उंगलियों के निशान इस बॉटल पर हो। क्वाइट पॉसिबल। हाँ सर, दूसरा आदमी हो सकता है, लेकिन इस बॉटल वाले जहर से बेचारा वशिष्ठ नहीं मरा। एक ही बात के पीछे क्यों पड़ गई हो तुम? मैं समझ गया हूं अच्छी तरह से कि क्यूरर एक्स जहर से आदमी नहीं मरा है, लेकिन जो निशान बॉटल पर मिले हैं उनको तो देखो, उन फिंगरप्रिंट्स को तो देखो। What? क्या हुआ सर? सी हाँ धीरज, ये वशिष्ठ तुमसे मिलने आया था ना? जी जी। वो आया था या नहीं? जी आया था, आपको तो पता ही है। तुम्हारा उससे झगड़ा हुआ था? जी। जोर से हुआ था? जी हाँ। किस बात पे झगड़ा हुआ था? वो मैं आपको नहीं बता सकता। क्यों? क्यों नहीं बता सकते? मैं नहीं बताऊंगा। किस बात पे झगड़ा हुआ था है? मैंने बिनाशा को वचन दिया था। कैसा वचन? शादी का। शादी का? ओ, तो फिर रोए क्यों जा रहा है शादी के नाम पे? मैं वो वचन पूरा ना कर पाया। सुना फ्रेडी सर? सुना सर। आपको पता है कि शादी के फेरों में कितने वचन होते हैं? आठ। आठ? आठ वचन होते हैं। सर मैंने तो सुना है सिर्फ सात ही वचन होते हैं। मनाली और आदेश की शादी में आठवां वचन है। ये आठवां वचन क्या है सर? सोनी चैनल में एक नया प्रोग्राम आने वाला है 1 सितंबर से, हर सोमवार से गुरुवार रात को 9 बजे। देखना मत भूलना। मैंने भी वचन दिया था, लेकिन बिनाशा के बाप ने सब सत्यानाश कर दिया। उसने अपना बचत तोड़ दिया। बार बार बिनाशा 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 कहे जा रहा है कौन ये बिनाशा? जी, बिनाशा मेरी गर्लफ्रेंड है। कुछ दिनों के बाद हमारी शादी होने वाली थी, लेकिन पता नहीं वशिष्ठ कहां से आ गया और उसने बिनाशा के बाप का दिल जीत लिया। एक मिनट, मतलब तुम्हारी बिनाशा से शादी होने वाली थी और ये वशिष्ठ जो मर चुका है वो अचानक बीच में आ गया है ना? हाँ सर, अचानक बिनाशा के बाप ने कहा कि अगर बिनाशा की शादी होगी तो सर उसी से होगी। और इसीलिए तुमने वशिष्ठ को जहर दे दिया है ना? नहीं सर, मैंने वशिष्ठ को नहीं मारा। मैंने और बिनाशा ने तो घर से भागने की कोशिश भी की थी, लेकिन उसके बाप ने हमें बीच रास्ते से पकड़ लिया। सर ड्रामा कर रहा है सर ये आदमी। जहर की बोतल तुम्हारे कमरे से मिली है, अभी थोड़ी देर में डॉक्टर सारुंग के बता देंगे कि जहर किसने दिया है। हाँ सारुंग के, अरे तुम रोते क्यों हो बताओ? ओह आई सी, अच्छा ठीक है, ओके। अभिजीत, उस बोतल पर जो उंगली को निशान मिले थे वो धीरज के नहीं है। नहीं है? मतलब किसी दूसरे आदमी ने इसके कमरे में जहर की बोतल रखी है। हो सकता है। तो एक काम करो, इस बिनाशा के घर जाओ और देखो चक्कर क्या है। और फ्रेडरिक्स, तुम होटल मरीना जाओ
और वहां एक एक आदमी की उंगलियों के निशान चेक करो। देखो बॉटल पर से जो निशान मिले हैं वो किस आदमी के हैं। यस सर। जी आप लोग? हम लोग सीआईडी से हैं। सीआईडी? कोई बुरी खबर है क्या? जी हाँ, खबर तो अच्छी नहीं है। कौन है मीनाशा? पापा सीआईडी वाले आए हैं। आइए। मिस्टर रोशन जी, आप किसी वशिष्ठ नाम के आदमी को जानते हैं? जी हाँ। उसका खून हो गया है। खून? कैसे हुआ? किसी ने उसे जहर दे दिया है। जहर? किसने? शायद धीरज ने। धीरज? नहीं, धीरज ऐसा कर ही नहीं सकता। पापा इनसे कहिए ना, धीरज ऐसा नहीं कर सकता। वो ऐसा नहीं है, वो कोई खून नहीं कर सकता। पापा इनसे बोलिए ना पापा, धीरज ऐसा नहीं कर सकता। चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, जाओ, जाओ। वैसे धीरज को हमने गिरफ्तार कर लिया है। आपने धीरज को गिरफ्तार करके अच्छा ही किया। मैं जानता था कि वो कुछ ऐसा ही करेगा। क्यों? बदले की आग में आदमी कुछ भी कर सकता है। बदले की आग? दरअसल मैं अपनी बेटी विनाशा की शादी धीरज से करने वाला था, लेकिन वो अच्छा आदमी नहीं है। मैं नहीं चाहता था कि मेरी बेटी जिंदगी भर रोती रहे, इसलिए मैंने उसकी शादी वशिष्ठ के साथ तय कर दी। आप वशिष्ठ को कैसे जानते हैं? वशिष्ठ मेरे बचपन का दोस्त अमन का बेटा है। ओके, और ये अमन रहते कहाँ? वो दिल्ली में रहते थे, एक साल पहले ही उनका देहांत हो गया। वशिष्ठ की माँ तो बेचारी बचपन में ही स्वर्ग से धार गई थी। उनके बाद वशिष्ठ मुंबई शिफ्ट हो गया और यहीं रहने लगा। ये वशिष्ठ यहाँ कहाँ रहता था आपको मालूम है? शायद हमें उसके घर से कुछ मिल जाए, इससे अंदाजा लगे कि वो हमसे क्या कहना चाहता था। आप रेडी? सर मुझे वो आदमी मिल गया है जिसका फिंगरप्रिंट उस बॉटल पे मिला था। कौन है वो? सर मैंने ही पकड़ा उसे। रेडी तुमने पकड़ा है, लेकिन है कौन वो? सर ये होटल मरीना का बेलबॉय है। बेलबॉय? हाँ सर, इसी ने रखी थी वो क्यूरारेक्स जहर वाली बोतल धीरज के कमरे में। अरे पर उसे क्या पड़ी थी ये सब करने की? सर इसे किसी आदमी ने कहा था ये काम करने के लिए। रेडी लगता है ये वही आदमी है जिसने वो क्यूरारे जहर का इंजेक्शन दिया था उस बेटर को। हो सकता है सर। सर मैंने इस बेलबॉय के जरिए उस आदमी का स्केच बनवा लिया है सर। ग्रेट जॉब। अब देखते हैं वो आदमी बच के कहाँ जाता है। एक काम करो फ्रेडी, तुम इस आदमी को बेरो में छोड़ के वशिष्ठ के घर आ जाओ। ओके? यस सर। गुड, चलो। अरे दरवाजा खुला है। Oh!
कुछ बोलना चाहती हो? बोलो। उसने क्या क्या कहा था? किसने कहा था? किससे मिलाएगा बताओ? वशिष्ठ, वशिष्ठ किससे मिलाने वाला था तुम्हें? हाँ, किससे मिलाने वाला था बताओ? हाँ, कौन थी ये बेचारी और इस वशिष्ठ के घर में क्या कर रही थी? मौत जब आती है ना तो उसे रोकना बड़ा मुश्किल है। अब यही देखो, घर वशिष्ठ का, उसे मारने को ही आता है मगर फंस जाती है वो लड़की। सर, मरते मरते भी वो वशिष्ठ का ही नाम ले रही थी। हमारे सामने मरी थी सर। अगर लाश थोड़ी पुरानी होती तो सोच भी सकते थे कि वशिष्ठ ने मारा होगा इसे। और एक बात अभी, लड़की घर के अंदर ही थी, अंदर। वशिष्ठ उसे किसी से मिलवाने वाला था सर, तभी तो वो उसका नाम ले रही थी। और घर में सामान भी बिखरा हुआ था। खूनी कुछ ढूंढने की कोशिश कर रहा था सर। मगर सर, दरवाजा खुला था। खूनी छुपके से आया होगा। मतलब सर, चाबी थी उसके पास? बिल्कुल सर, उसके पास चाबी आई कहाँ से? वशिष्ठ ने दी होगी। मेरा मतलब है, वशिष्ठ के मरने से पहले खूनी ने उसकी जेब में से निकाली होगी। मतलब सर, वशिष्ठ को मारने वाला और इस लड़की को मारने वाला एक ही आदमी है? हो सकता है। लावण्या, क्या हुआ, रिपोर्ट मिली? नहीं सर, ढूंढ रही हूँ। ढूंढो ढूंढो लावण्या, जल्दी ढूंढो, कोई तो रिपोर्ट जरूर होगी। वो आदमी घर में घुसा तो अचानक उसके सामने वो लड़की आ गई होगी। उसने उस लड़की से पूछा होगा कि वो चीज कहां पर है, मगर उस लड़की को शायद मालूम ही नहीं होगा। मगर सर, वशिष्ठ के पास ऐसी कौन सी कीमती चीज थी जिसके लिए खूनी ने वशिष्ठ का भी खून कर दिया और उस लड़की का भी? वही तो, क्या हो सकता है सर? उस लड़की के हाथ बंधे हुए थे, इसका मतलब वशिष्ठ ने उसे जबरदस्ती उस घर में रखा हुआ था। एग्जैक्टली यही तो मैं कह रहा हूं कि अगर वशिष्ठ ने उस लड़की को किडनैप किया है तो उस लड़की के घर वालों ने या किसी ने भी तो उसका मिसिंग रिपोर्ट लिखवाया होगा। सर, रिपोर्ट मिल गई। मिल गई? ये देखिए सर, इस लड़की की फोटो इस चेहरे के साथ मिलती है। हाँ, तो ये है वो लड़की। क्या नाम है इसका? मोनिता। तो ये मोनिता है। ये रिपोर्ट लिखवाई किसने? मिसेस शर्मा। मिसेस शर्मा। वो मेरी एंगेज थी, लेकिन मैंने उसका हमेशा अपनी बेटी से बढ़ के माना है। अच्छा, आपको कुछ अंदाजा है वो किन किन लोगों से मिला करती थी? दो दिन पहले एक आदमी आया था उससे मिलने, मोनिता उसके साथ चली गई थी, फिर कि लौट के नहीं आई। कौन कौन था वो आदमी? मुझे नहीं मालूम। आपने देखा था ना उसको? हाँ। ये आदमी था वो? हाँ, ये ही था वो। क्या हम मोनिता का रूम देख सकते हैं? ये है मेरी मोनिता का रूम। देखो जरा, देखो कुछ मिलता है क्या। एक बात बताइए, जब वो आदमी मोनिता से मिलने आया था तो उन दोनों के बीच में जो कुछ भी बातें हुई होंगी, आपने कुछ सुना? वो लोग क्या बात कर रहे थे? जी नहीं, मैंने तो उन दोनों को सिर्फ बिल्डिंग से बाहर जाते हुए देखा था। सर, आ गए। ये देखिए सर, कुछ फोटोग्राफ्स मिले हैं। देखा देखा, ये कौन है? आप लोग यहां यहां फिर से क्या कर रहे हैं? रोशन साहब, आपका बंगला बहुत पसंद आया। साफ साफ कहिए, आप लोग कहना क्या चाहते हैं? आपकी बेटी बिनाशा कहीं दिख नहीं रही। वो अपने कमरे में है। अच्छा, वह यहां नहीं है, क्योंकि अगर ये सब सुनती
तो उसे बहुत दुख होता है। आप लोग क्या बकवास कर रहे हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा। इसे पहचानते हैं आप? Oh my God, जिसका डर था वही हुआ। अब बता दो सच क्या है, बताओ। दरअसल बिनाशा की मां से शादी करने से पहले मेरे पहले भी शादी हो रखी थी। क्या नाम क्या था उसका? सहेली, हमारी एक बेटी भी थी, मोनिता नाम है उसका। लेकिन छोड़ा क्यों आपने उसे? सहेली एक छोटी एक्ट्रेस थी, उसके अपने को स्टार्स के साथ अफेयर्स थे। उन्हीं अफेयर्स के बारे में सुन सुनकर मैं तंग आ चुका था। बस इसी कारण मैं चेन्नई से यहाँ भाग कर आ गया। यहाँ आने के बाद मैंने त्रिया से शादी कर ली। कुछ सालों के बाद वो भी मुझे छोड़कर चली गई। बस उसके बाद मेरी बेटी बिनाशा मेरे साथ रहती है। ये वशिष्ठ का क्या चक्कर है? पता नहीं ये वशिष्ठ कहाँ से टपक आया। वो मुझे ब्लैकमेल कर रहा था क्योंकि वो मेरी पुरानी जिंदगी के बारे में जानता था। आपके बेटे मोनिता कहाँ है कुछ मालूम है? जी नहीं। उस बेचारी का खून हो गया है। खून हो गया? वशिष्ठ ने उसे अपने ही घर में छुपा के रखा था। मोनिता का खून हो गया? उसने 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 उसका खून कर दिया? उसने? मतलब किसने? वो दूसरा आदमी जो मुझे ब्लैकमेल कर रहा था। ये दूसरा आदमी कौन है? ये कोई वशिष्ठ का दोस्त है, मुझे ब्लैकमेल कर रहा है। कह रहा है कि 1 करोड़ रुपया दे दो नहीं तो वो मेरी पोल खोल देगा। अच्छा, ये 1 करोड़ कहां लाने के लिए कहा था उसने? होटल अप्सरात के बाहर। होटल अप्सरात? गाड़ी के आगे देखो। क्यों, तुम्हारे पास ऐसी कौन सी चीज थी जिसकी वजह से रोशन की जान को खतरा था? वशिष्ठ ने मुझे रोशन के बारे में ऐसी चीजें बताई कि मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। तो हमारी भी आंखें फटने दो, जरा हम भी तो सुन ले क्या बात है, है? एक दिन वशिष्ठ मेरे घर पे आया। वो तुम्हें जानता था? हाँ। तुम्हारा नाम क्या है? मोंटी। मोंटी, तो फिर मोंटी ये बताओ कि जब वशिष्ठ तुम्हारे घर आया तब क्या हुआ? वो काफी काफी एक्साइटेड था।
मोंटी 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 मोंटी, क्या बात है, बड़ा एक्साइटेड दिख रहा है। मेरे पास एक मास्टर प्लान है। कैसा मास्टर प्लान? एक ऐसा प्लान जिससे मैं करोड़ों रुपए कमा सकता हूं। उसने मुझे पूरा मास्टर प्लान बताया। बहुत भरोसा था उसे मुझ पर उसे क्या मालूम था कि उसका यही मास्टर प्लान उसकी जान के लिए खतरा बन जाएगा। क्या था वो मास्टर प्लान? यही वो चीज थी जिसकी वजह से मैंने ये सब कुछ किया। शादी का सर्टिफिकेट? हाँ, शादी का सर्टिफिकेट। रोशन की बर्बादी की निशानी, रोशन और सहेली की शादी का सर्टिफिकेट, और इसीलिए तुमने वशिष्ठ को मार दिया। हाँ, मैंने ही वेटर को पैसे दिए थे वशिष्ठ की ड्रिंक में जहर मिलाने के लिए, और जाते जाते मैंने होटल मरीना का नाम लिया था ताकि आप लोगों को शक धीरज के ऊपर हो, और ऐसा ही हुआ। मैं ये सर्टिफिकेट ढूंढने के लिए वशिष्ठ के घर पे गया। वहां पे मोनिता पहले से ही छुप कर बैठी हुई थी। मुझे पता ही नहीं था कि वशिष्ठ ने मोनिता को वहां पर छुपा के रखा हुआ है। बेचारी बेवजह ही मेरे हाथों से मारी गई। अब दे ही देता हूं तुम्हें ये शादी का सर्टिफिकेट, जेल में बैठकर इसे देखते रहना, और जब तुम्हें फांसी होगी ना तब वापस ले लूंगा। दो दो खून किए तुमने, तुम्हें फांसी होनी चाहिए। Thank you.